हाय गाइस, हाउ आर यू? आज मैं बना रही हूँ चिकन एंड वेजिटेबल चाइनीज़ राइस। तो उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। अभी काफ़ी दिन से जो है मैं डेली ब्लॉग्स नहीं कर रही थी, बस रिव्यूज़ कर रही थी कुछ चीज़ों का। जो लोग मुझे देखते हैं उनको पता है, और जो नहीं देखते और नए हैं और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वेलकम टू माई चैनल। और देखते रहें इंशाल्लाह डेली ब्लॉग्स जो हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि डेली ही डालूँ। तो आज कुछ कुकिंग कर लेते हैं। तो जो चिकन एंड वेजिटेबल राइस के लिए मुझे चाहिए होगा, उसमें है जिंजर गार्लिक पेस्ट, यूज़ कर लें। आपके पास फ्रेश है आप वो यूज़ कर लें। वेजिटेबल्स में मैं अगर आपके पास कैप्सिकम है तो वो भी ठीक है। मेरे पास ये बड़ी वाली मिर्ची थी तो वो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और ग्रीन अनियन यूज़ होंगे इसमें। और वेजिटेबल्स भी सेम, अगर आपके पास फ्रेश वेजिटेबल्स हैं जो कि सर्दियों में अवेलेबल होती हैं, वो यूज़ कर लेंगे। थोड़ी सी कन्वीनियंट रहती हैं फ्रोज़न वाली, तो इसलिए मैं इनको आज यूज़ कर रही हूँ। ये पीस हैं, इनको डालूँगी। और ये कुछ मिक्स वेजिटेबल्स हैं जिसमें ब्रोकली है एंड कैबेज है और कैरेट्स हैं। तो ये अच्छी मज़े की लगती हैं चाइनीज़ राइस में। और इसके अलावा जो हम चीज़ें यूज़ करेंगे वो है, जब मैं कुकिंग कर रही होंगी तो आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी। चिकन ऑफ कोर्स थॉ हो रहा है तो वो यूज़ होगा। थोड़ा सा सोया सॉस यूज़ होगा और ब्लैक पेपर और नमक और थोड़ी सी रेड क्रश पेपर यूज़ होगी। तो सिंपल सी रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है और जल्दी भी बन जाती है। तो चलें कीप वॉचिंग, हमें बस अब बनाना शुरू करती हूँ। इनको मैरिनेट कर दिया है मैंने, और हम 3 लोग हैं घर में इसलिए मैं इतना चिकन यूज़ कर रही हूँ। आप लोग जितना भी अपने फैमिली के हिसाब से चिकन लेंगे उसी हिसाब से फिर स्पाइसेस वगैरह एडजस्ट कर लें। तो मैं इसमें मैंने डाला है काली मिर्च, नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट। पेपर, ग्राउंड ब्लैक पेपर डाली, इसको थोड़ा सा मैरिनेट करके रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। और फिर जब कुकिंग करूंगी तो फिर मैं आपको दिखाती जाती हूँ साथ साथ। क्रश पेपर, रेड क्रश पेपर उस टाइम पर डलेगी, सोया सॉस भी उसी टाइम पर डलेगी जिस वक्त वेजिटेबल्स काटने को खोंगी। और ये डलेगा कनोर क्यूब एक। तो चलें स्टार्ट करते हैं कुकिंग। कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ऑयल डाला मैंने, अब इसमें थोड़े से चॉप हुए ऑयल लहसुन ये डाल दिए। इसको थोड़ा सा गोल्डन होने देंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे मैरिनेट हुई हुई चिकन, ये जो इधर मैंने मैरिनेट करके आपको दिखाई थी वो इसमें डाल देंगे। और फिर उसको अच्छी तरीके से चिकन को फुली कुक करेंगे। तो फिर ये सेपरेटली कुक हो जाएगा चिकन, उसको निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं वेजिटेबल्स को किस तरीके से कवर करूँगी। और बस क्विकली क्विकली सारी, आपको तो पता ही है चाइनीज़ फूड में इसी तरह होता है कि आप जल्दी जल्दी बस सब्जियों को इतना ज़्यादा गलाना नहीं होता, कॉट नहीं करना होता, तो ये बहुत जल्दी ही बन जाएगी। और चिकन के भी ज़ाहिर है ब्रेस्ट पीस हैं तो वो बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। चिकन कुक हो रही है और यहाँ पर मैंने राइस के लिए भी पानी रख दिया है। इसको अलग से बॉईल कर लेंगे जिस तरह से बिरयानी के लिए करते हैं, और फिर बस उसको छान लेंगे। चावलों को निकाल के अलग से रख लेंगे। और फिर जब ये सारा चिकन वगैरह सब बन जाएगा और वेजिटेबल्स साथ बन जाएंगी तो फिर मिक्स कर देंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर अब तक नहीं किया है। आप लोगों के लिए ही ये सब वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। देखें, एक हाथ से वीडियो को बना रही हूँ और फिर साथ साथ कुकिंग भी कर रही हूँ। तो अप्रिशिएट करें थोड़े से काम को, और जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें वीडियो को एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। कीप वॉचिंग। रेडी हो गई थी, इसको मैंने इस तरह से बाहर निकाल लिया और इसका कलर कुछ इस तरह से हो जाए, पक भी जाएगी और कलर ऐसा हो जाएगा। अब मैंने ऑयल में ग्रीन अनियन का जो वाइट वाला पार्ट होता है वो मैंने डाला है इसमें। अब बस इसके साथ साथ ही सारी वेजिटेबल्स वगैरह पक भी जाएंगी और जाएंगी। वेजिटेबल्स को तो आपको पता है पकने में इतनी देर नहीं लगती, तो जल्दी पक जाएंगी। अब से
एक हाथ से डालते हुए का माल देखे इधर भी मिक्स वेजिटेबल के बाद में इसमें डाल दूंगी थोड़े से पीस ग्रीन टी इसमें आपको पसंद है इसमें डालें आप थोड़ा सा इनको पके क्योंकि गर्म हो जाए उसके बाद में और इसमें ग्रीन अनियन और कैप्सिकम अगर आपके पास है हरी मिर्च में डाल रही हूँ तो वो डाल दूँगी और फिर इसके ऊपर डलेगा थोड़ा सा सोया सॉस अपने अंदाजे से डालें। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं तीन लोगों के लिए बना रही हूँ तो मैं इसमें कोई डालूँगी 2 चम्मच 2 टेबलस्पून डालूँगी। एक मैंने कैनोला क्यूब यूज़ किया है, अगर आप लोग ज़्यादा सॉल्टी खाते हैं तो 2 भी डाल सकते हैं। कैनोला क्यूब जो है मैं एक ही डालूँगी, ज़्यादा सॉल्ट हमारे घर में नहीं खाते। और आधी चम्मच ही मैं इसकी डालूँगी रेड क्रश पेपर की। That's it, काली मिर्ची हमारे चिकन में डली हुई है। और अंडे जो हैं एग्स वो ऑप्शनल हैं, अगर आपको पसंद है तो डालें, मैं ज़रूर डालूँगी, 2 मैं डाल दूँगी अंडे। अंडों को मैं अलग से फ्राई करके डालती हूँ, तोड़ के उनके पीसेस करके। लेकिन अगर आप चाहें तो आप जब ये सब वेजिटेबल्स थोड़ी सी हो जाएंगी स्टर फ्राई तो उसके साथ ही आप एग भी डाल सकते हैं, तो एग जैसे कोट कर लेता है सारी वेजिटेबल और चिकन को तो वो भी अच्छा लगता है, पक भी जाता है अंडा। और बस फिर उसको चावल के साथ मिक्स करेंगे और मज़े से खाएँ। मज़े भी सब्सक्राइब कर दें चैनल को, चैनल की पॉटिंग फाइनल आपको फिर मैं दिखाती हूँ। वेजिटेबल्स चिकन सब मैंने डाल दिया है, अब इस स्टेज पे थोड़ा सा टेस्ट कर लें और फिर अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लें। जो भी मैंने आपको स्पाइसी वगैरह बताई थी यहाँ पर एग भी मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया, बस इसको फिर पीसेस में काट लूँगी। फ्लू हुआ है, गला ख़राब हुआ है तो थोड़ा सा आवाज़ के लिए सॉरी, आवाज़ ऐसी हो रही है आज। तो बस ये एग जब बन जाएगा तो इसको काट कर और बस फिर इसको राइस के ऊपर डाल दें, या जिस तरह भी आप लेयर कर रहे हैं तो फिर लेयरिंग में डाल दें। अब राइस में मैंने ये सब डाल दिया है, चिकन वेजिटेबल्स एंड एग ऊपर से। अब इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी, फिर आपको फाइनल इसकी शक्ल दिखाती हूँ। मम्मी चाइनीज़ चिकन एंड वेजिटेबल राइस रेडी है, इसके साथ अपनी मर्ज़ी का जो भी ड्रिंक पीना है मैं ये वाला ले रही हूँ। ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कैसा बना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बाय, टेक केयर गाइज़।